अमृतपाल का ये वीडियो गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले का है। इस वीडियो में अमृतपाल सरकार से बगावत की बात कर रहा है। अमृतपाल ने पुलिस और सरकार को लेकर कहा कि सच्चाई सामने आ गई है, ये मेरी गिरफ्तारी नहीं शुरुआत है। अमृतपाल ने गिरफ्तारी से पहले गुरुद्वारा में संबोधन किया और दोबारा पंजाब को खालिस्तान के लिए भड़काता दिखा। सीधे तौर पर कहा, ये लड़ाई अभी जारी है। तो सुनिए अमृतपाल ने क्या कहा। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ, गज के रखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान से संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंड नाले का जन्म स्थान है, जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का एक कार्ज रंभिया, अज उस स्थान से इस कौमी कार्ज न चलदिया एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आ खड़े हैं। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुम सारा कुछ वेख्या, मैं दर होना नहीं, थोड़े समय से संखेप से आप गल बेट देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा से ढाया उस जबर न जरा प्रतक इस करके हो गया, जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्हों का मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों से जबर ढाया गया। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनियावी कचहरियों असी दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया भी इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जिहड़े झूठे केस साढ़े परचे पे ने इन्हों का सामना असी अदालत कर लेंगे। तो संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दी अरदासां तो बिना ना तो एडे घेरियां चो निकल जाना संभव हुंदा है, संगत दी अरदासां तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जिहड़ा रूपोश हो जाना संभव हुंदा है। इह संगत दी अरदासां दे गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया है। अज उसे स्थान दे उत्ते असीं आप गिरफ्तारी देण दा फैसला कीता है। इह गिरफ्तारी जिहड़ी है इह अंत नहीं, इह शुरुआत है। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन, यह जो झूठ का पलंदा साढ़े खिलाफ सिरजा गया है यू भादा संसार जो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके भलन गए तो सेठी ही संगत ऐसी रूबरू जो सन्मुख होकर संगत विचरों जी अमृत संचार की मुहिम जी खालसा वहीर असी शुरू की सतगुरु ने साढ़े को आप कराई है उस खालसा वहीर मुड़ आरंभे। पर नौजवानों को एक मेरी अपील है भी जिस खड्डे बाटे की जी पौल छक रहे थे असी जिहड़े नशियां तो दूर हो रहे सी उस तो तंग आ के हुकूमत ने सारा कुछ कीता है। ते हुकूमत तां जित सकती है जे असी खंडे बाटे की पौल तो भगौड़ी हो जाए, पर जे अज असी इस दा जवाब इस तरीके नाल दईए कि बस चढ़ के नौजवान खंडे बाटे की पौल छकण, नशे त्याग के गुरु दे लड़ लगन ते पंजाब दे हक्कां लई संघर्ष करन, ते फिर हुकूमत सानू नहीं हरा सकती। सो मेरी नौजवानों ने बेनती है कि साडी गैर हाजरी दे विच इदा नहीं समझना कि हूँ असं अमृत नहीं छकना, अमृत गुरु का है, साढ़े वर्ग हजार आवगे हजार जाएंगे। सो इस करके तुम अमृत छकना है, खंडे पाटे की पौल छक के अमृतधारी होना, शस्त्रधारी हो के जीवन बतीत करना है। सो इन बेनती मैं शुक्राना सारी संगत का करना है। सारी संगत ने जिन्ना प्रेम बख्शिया है देशों विदेशों के उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिनों के बाद जब मोगा पुलिस को आज सरेंडर किया, उसे मोगा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी तलाश में पुलिस ने कई शहरों की खाक छानी थी, लेकिन वह लगातार पुलिस से बच रहा था। अमृतपाल वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। पंजाब में पिछले कुछ दिन से उसे जनरल सिंह भिंडरा वाले 2.0 तक कहा जा रहा है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, इनमें 2 हेट स्पीच के संबंधित हैं। अमृतपाल पर NSA देशद्रोह का केस भी है। अमृतपाल ने एक अलग देश खालिस्तान की मांग को लेकर न सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि केंद्र के निशाने पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।